फिर स्टार्ट विद आवर क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग कंटिन्यू विद ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। हम लोग लास्ट टाइम जहाँ पे थे, सो लेट मी सी हम लोग कहाँ पे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने रेजिस्टेंस कर दिया था और अब हम इंडक्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, सो वेलकम टू एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट लेके ही सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में सारे एलिमेंट्स को एक साथ यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज इंडक्टर और हमने यहाँ पे सोर्स लगा दिया, एंड लेट्स से वी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा। ओके, तो करंट जो होगा सर्किट में वो हो जाएगा आई, और हमारे को मालूम है जो इंडक्टर होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम ईएमआई में ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडक्टर में क्या होता है। अगर ये करंट कांस्टेंट होता, इफ दिस करंट वाज कांस्टेंट, तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता। बट यहाँ पे जो साइनोसोइडल सोर्स है ना अपने पास, वोल्टेज इज कंटिन्यूसली वेरिंग, तो करंट विल ऑल्सो भी कंटिन्यूसली वेरिंग। सो इन दिस इंडक्टर करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। अगर करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है देन इसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड द इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, राइट। सो नाउ इफ आई अप्लाई किरचॉफ्स लॉ हियर, देन वी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल जीरो, दैट इज वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो डी आई इज इक्वल टू वी एम बाय एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो वॉट वी गेट इज आई इज इक्वल टू वी एम बाय एल ओमेगा, साइन का माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी। ये माइनस साइन है और मेरे को इसको साइन के टर्म में लिखना है, सो आई कैन राइट प्लस सी भी आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ रिलेशन सी भी आएगा, क्योंकि हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल किया है तो यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ रिलेशन भी आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ वी एम बाय एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। रिमेंबर साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा जो है वो कॉस ऑफ थीटा होता है, एंड साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू जो है वो माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है। एनीवे आता होगा तुम्हारे को, मैथ्स का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये, बट जस्ट रिवाइज कर लिया इन केस अगर भूल गए हो तो, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। ये भी याद होना चाहिए, ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज आता है। सो वी एम ऑफ वी एम बाय एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ओके, प्लस सी, प्लस सी। इसको मैं लिख लूंगा, इस पूरे को अपन लिख सकते हैं आई एम, तो अपन इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू
plus c. Now c is any arbitrary constant. Okay, c is any arbitrary constant. So what will happen is, if c is large enough, the graph of this will become, if I say I versus t, then this graph, if this is origin, this graph may be about this c, and it will be sinusoidal about this line of this constant. Okay, now what has happened is, even though current is variable, but it is not alternating. It is not alternating. In fact, it is direct right now. It is direct. This is direct current. Why? Because it's not changing the direction. Because it's not changing the direction. That means C has to be zero if this has to be an alternating current. If this has to be alternating current, C has to be zero. That's the only way this, because the source is alternating. Because the source is alternating, so the current also has to be alternate. Yes. Okay. So we can conclude now that what will be current here? Current in the alternating circuit will be, alternating current will be I is equal to Im sine of omega t minus pi by 2. Now what is Im? This is Im. हमने Im क्या लिखा है? हमने Im लिखा है Vm by L omega. So what does this L omega? This L omega is a playing the role of the resistance, right? जैसे resistance वाली circuit में क्या होता है? I जुरू V by R. तो ये R की जगह ये आ रहा है. But हम इसको resistance नहीं बोलते. हम L omega को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे I is equal to Vm by x l sine of omega t minus pi by 2. This x is known as reactance. This l is known as reactance. Ek tarah se resistance hi hai, but hum isko dusra naam dete hai, reactance. To hamare paas jab resistance hota hai circuit mein r, to hum resistance bolenge. Lekin agar circuit mein inductor hota hai, तो हम रेजिस्टेंस ना के बोल के रिएक्टेंस बोलेंगे. एंड दिस एल डिनोट्स, दिस एल डिनोट्स दैट दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस सर्किट को ऑफर हो रहा है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड by inductor in the circuit. Resistance offered by inductor in the circuit को बोलते हैं inductive reactance. और XL की value क्या आ गई? XL की value आ गई L omega. So what we see here is, if we increase the value of L, अगर हम inductance की value को increase करेंगे, तो एक्सएल इंक्रीज होता है. और अगर हम ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो भी एक्सएल इंक्रीज होता है. सो एक्सएल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल. एक्सएल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. सो यहां पे इसको कंपेयर कर लो. इफ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्सएल इज इक्वल टू जीरो. व्हाट डज दिस मीन? That omega zero कब होगा? Omega zero मतलब frequency zero, right? Omega zero मतलब frequency zero. That is वो direction change ही नहीं कर रहा. Frequency किसकी होती है? एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे, उसकी frequency होती है, right? अगर frequency zero है, that means it's a constant current. It's a constant current. अगर frequency zero है, यानी कि अगर current vary नहीं कर रहा है time के साथ, that means it's a constant current. और कांस्टेंट करंट एक तरह से डायरेक्ट कांस्टेंट करंट है. डायरेक्ट कांस्टेंट करंट है क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट कांस्टेंट करंट है.
और 99% केसेस जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट करंट को कांस्टेंट ही लेते हैं हम, वेरिएबल डायरेक्ट करंट बहुत कम आता है हमारे सर्किट। सो दैट मींस इफ द करंट इज कांस्टेंट, अगर करंट चेंज नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर? जीरो। इसीलिए हम डीसी सर्किट में इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको जीरो लेते हैं। इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट, ओके? और आई विल से अगर ट्रांजिएंट सर्किट नहीं है, तो ट्रांजिएंट सर्किट किसको बोलते हैं? जब यू यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द सर्किट, तो देर इज अ टाइम वेयर द करंट स्टेबलाइजेस इन द सर्किट, जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटर होता है। जैसे तुम लोगों ने किया होगा, व्हेन यू डू चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ओके? तो जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उस टाइम को बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट में तो करंट वेरी करता है, उसी तरह से इंडक्टर को भी जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो करंट आई को स्टेबलाइज होने में कुछ टाइम लगता है। टिल दैट टाइम इट इज नोन एज अ ट्रांजिएंट सर्किट, ओके? तो ट्रांजिएंट सर्किट में तो करंट वेरी करता है, उसके बाद करंट स्टेबल हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। व्हेन द सर्किट का करंट स्टेबल हो जाता है, दैट इज अ स्टेडी स्टेट। उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। जब करंट कांस्टेंट हो गया, स्टेडी स्टेट में ओमेगा जीरो हो गया, वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द स्टेडी स्टेट विल बी जीरो, ओके? अगर अपन ओमेगा को इनफाइनाइट कर दे, तो एक्सएल भी इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि इफ योर फ्रीक्वेंसी इज टू लार्ज, दैट इज बहुत ज्यादा स्पीड से करंट चेंज, हालांकि इतना इनफाइनाइट तो नहीं, बट इफ इट्स लार्ज तो एक्सएल भी बहुत लार्ज हो जाएगा, ओके? सो बस इतना काफी है अभी, इसको याद रख लो, हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे तो सवालों में तुम्हारे को और ज्यादा रिवाइज हो जाएगा। सो एक्सएल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, विच इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द एसी सर्किट। बिकॉज इन द डीसी सर्किट एक बार स्टेडी स्टेट आ गई, उसके बाद इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, डजंट ऑफर्स एनी रेजिस्टेंस टू द सर्किट। सो द रोल ऑफ द इंडक्टर, ओके, सो व्हाट आई कैन से इज, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडक्टर इन द डीसी सर्किट या एनी सर्किट? रोल ऑफ इंडक्टर, विच इज बेसिकली द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टेंस, इज व्हाट? अपोज द फ्लक्स चेंज, अपोज द फ्लक्स चेंज। और सो व्हाट इट डज इज, इट डजंट अलाउज द करंट टू ग्रो सडनली इन द सर्किट। सो व्हाट इज अपोज द फ्लक्स चेंज मींस, इट डज नॉट अलाउ द करंट टू सडनली इंक्रीज और डिक्रीज इन द सर्किट। सडन इंक्रीज या डिक्रीज अलाउ नहीं करता सडन, क्योंकि वो फ्लक्स चेंज को अलाउ नहीं करता। फ्लक्स क्या होता है? एल आई होता है। फ्लक्स इज बेसिकली एल आई, बिकॉज इट अपोजेस अ फ्लक्स चेंज, सो इट इज एक्चुअली अपोजिंग द चेंज इन द करंट। तो क्या होता है, कुछ अपैरेटस सेंसिटिव होते हैं, कि अगर उन अपैरेटस सडनली करंट फ्लो हो जाएगा ना, तो अपैरेटस डैमेज हो जाएंगे। सो व्हाट वी डू इज, हम उसके साथ इंडक्टर लगा लेते हैं, ताकि जब भी हम किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करो उसको, तो करंट जो है ना सडनली अपियर ना होके धीरे धीरे अपियर हो, ओके? समझ में आ रहा है ये एप्लीकेशन? समझ में आ रहा है रोल ऑफ इंडक्टर का? तो व्हाट आई मीन टू से, जैसे ये रेजिस्टेंस है, बैटरी लगाई, यहां एसी सोर्स नहीं लगाया, और ये इंडक्टर है, then as soon as you switch on, then at t is equal to zero, we switch on, then I is equal to induced battery ka EMF E by resistance R instantaneously. At t is equal to zero switch on, I is equal to E by R instantaneously, उसी समय एस्टेब्लिश हो जाता है। बट हियर एट टी इज जीरो, इफ यू स्विच ऑन,
I is equal to zero, current does not appear instantaneously. Current does not appear instantaneously. Okay, what happens is the induced EMF here in the inductor will oppose the change in the flux. And what was the flux initially? Zero. So after switch on also the flux will remain zero, and then it will increase slowly. Then it will increase slowly. It will increase slowly. Okay. So the role of the inductor is to oppose the sudden change in the flux, which indirectly help us to see that the current doesn't suddenly appear in the circuit, and as a result doesn't damage any apparatus. तो दोनों में डिफरेंस देख लो, ओके? थोड़ा सा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जब हम स्टडी करेंगे ना, तो हमारे को ये चीजें और क्लियर हो जाएगी. अभी हमने वो डेरिवेशन किए नहीं है, तो बाद में करूंगा मैं तुम्हारे. इज दिस क्लियर? यस. ओके, तो वापस आ जाता हूँ मैं हमारे इस पे. सर इसके पहले वाला जो डेरिवेशन किया था कौन सा सर, इसमें हाँ इसमें सर अगर इसमें कॉस कॉस वाला फंक्शन है तो माइनस साइन आ जाता है लास्ट. कहाँ पे? अगर मतलब इनिशियली वीएम कॉस ओमेगा टी लेते तो हाँ कुछ सर फर्क नहीं पड़ता. फाइनली हाँ हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू कैन डू इट ना. सर फॉर यू कैन इंटीग्रेशन स्टार्ट विद वी इक्वल वीएम कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके, तो क्या हो जाएगा? आई क्या आ जाता? वी एम बाय एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सी आ जाता. ठीक है, तो अगर कॉस से शुरू करते तो साइन आ जाता, तो वो हो जाता. हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता? मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर. मतलब बस फेस फेस डिफरेंस का. नहीं नहीं फेस वही आता. ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग हियर. ठीक है, तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं. व्हाट आई सी हियर इज व्हेन आई कंपेयर द फेस ऑफ साइन सॉरी व्हेन आई कंपेयर द फेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट. हम क्या कर रहे हैं? ये वोल्टेज है वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये करंट आई जो आई साइन ऑफ ओमेगा आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई. इसका फेस क्या है? इसका फेस है ओमेगा टी, और इसका फेस क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई. So what is the equation saying me? The equation is saying me that the current lags the voltage, the phase of the current lags the phase of the voltage by an angle of 90 degree. Current जो है voltage से pi by 2 phase पीछे है. That's all. Okay. So अब तुम देखो ये. या इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसमें साइनोसोइडल ग्राफ बनाने का कुछ दे नहीं जाता, वरना मेरा काम बहुत आसान हो जाता. अच्छा, ये साइन थीटा का ग्राफ है या कॉस थीटा का ग्राफ? ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन का है. एग्जैक्टली ओरिजिन का है. एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ है? तो अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो ये किसका ग्राफ? साइन. एंड अगर यहाँ पे ओरिजिन बना दे तो ये किसका ग्राफ? कॉस का ग्राफ है, राइट? तुम्हें मालूम है ना, जब किसी ग्राफ को प्लस थीटा या माइनस थीटा करते तो क्या होता है? इफ आई से
साइन थीटा साइन एंड साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो अगर माइनस अल्फा करते तो ग्राफ को आगे खिसकाते हैं, और प्लस अल्फा करते तो ग्राफ को पीछे खिसकाते, राइट, है यस सर, ना। ओके तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन की मेरे को जरूरत नहीं। तो अगर ये साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू हो गया, राइट। यस आपको पीछे किसका दिया मैंने, या अगर नहीं पता चला तो देख लो, टी को जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो क्या होता है, वन जीरो हो, जीरो होता है। और इस ग्राफ में अगर टी को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो साइन ऑफ पाई बाई टू कितना होता है, वन होता है। ओके तो ये हो गया। एंड अब मैं ये करता हूं, अरे यार ये तो पूरा आएगा ही नहीं, ओके। तो अब मैं इस ग्राफ को आगे खिसका दूंगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो चाहे तुम कोसाइन ग्राफ बनाओ या साइन का ग्राफ बनाओ, अगर माइनस पाई बाई टू करना है तो पूरे ग्राफ को आगे खिसकाना है, और प्लस पाई बाई टू करना है तो पूरे ग्राफ को पीछे खिसकाना है। यस सर, और मैंने जो बात एम्फेसाइज की थी वो तुम्हारे डाउट्स में क्लियर हो जानी चाहिए, अगर तुम सोचोगी तो। वो बात मैंने क्या एम्फेसाइज की थी, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन था, यहाँ पे ये वाला, इसको जब मैंने एब्जॉर्ब किया अंदर, तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली। तो मैं इसको अंदर ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं करूँ, इसको इसको ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जो था ना, उस माइनस ये पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी की जगह मेरे को ओमेगा टू माइनस पाई बाई टू करना पड़ा यहाँ, तब जाके माइनस साइन एब्जॉर्व हुआ। लेकिन जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो साइन माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो तुम्हारे को ये डिफरेंस नहीं दिखेगा वहां, और तुम्हारे को अपने आप ही वो फेस में पीछे ही मिलेगा पाई बाई टू। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इवन इफ यू स्टार्ट विथ वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, जो करंट का फेस है वो वोल्टेज के फेस से पाई बाई टू पीछे ही रहेगा। ओके यू कैन डू दिस, सर, ओके। और नहीं होता है तो फिर मेरे को बता देना, मैं तुम्हारे को हेल्प कर दूंगा उसमें। ओके okay? यस। Then this, then what will be power? Power will be VI, which is VM sine of omega t IM minus IM cos of omega t, which is equal to minus Vm Im sine of omega t cos of omega t। तो मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को, और टू से डिवाइड कर लेता हूँ, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा। नाउ दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर विच इज वेरिंग विद टाइम। इफ आई वॉन्ट टू टेक आउट व्हाट इज द एवरेज पावर, दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इफ आई वॉन्ट टू टेक द एवरेज पावर, ये जो एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं डिस्टेंस फॉर एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी एम आई एम बाई टू एवरेज ऑफ साइन ऑफ टू ओमेगा। तो किसी भी साइन थीटा का एवरेज अगर अपन लेंगे पूरी साइकिल पे, तो
तो आधा ग्राफ तो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है और आधा ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होता है। सो द एवरेज, या इसका एरिया पॉजिटिव होगा, इसका एरिया नेगेटिव होगा। द एवरेज ऑफ साइन ऑफ टू ओमेगा टी विल बी जीरो। इनफैक्ट यू कैन डू दिस, साइन थीटा डी थीटा ओवर द वन कंप्लीट साइकिल दैट इज जीरो टू टू पाई विल ऑलवेज बी जीरो। सो इफ दिस इज जीरो देन द एवरेज पावर इज जीरो, देन द एवरेज पावर इज जीरो। वॉट डज दिस मीन? दिस मीन कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो इन वन हाफ ऑफ द साइकिल, इन वन हाफ ऑफ द साइकिल द सोर्स इज गिविंग एनर्जी टू द इंडक्टर विच द एनर्जी इंडक्टर इज स्टोरिंग इन इट सेल्फ। जैसे तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें याद होगा तो द एनर्जी स्टोर्ड इन साइड द इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे कैप्सूल में एनर्जी स्टोर होती है ना हाफ सी वी स्क्वायर, वैसे इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है। सो एक हाफ ऑफ द साइकिल में इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, ओके, एंड सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में वही एनर्जी इंडक्टर वापस से सोर्स को रिटर्न कर देगा, इंडक्टर वापस से सोर्स को रिटर्न कर देगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस, बिकॉज द एवरेज पावर इज कमिंग आउट टू बी जीरो, दैट मीन्स द सोर्स इज नॉट डिसिपेटिंग एनी पावर। रेजिस्टेंस में क्या होता था, एवरेज पावर इज कमिंग आउट टू बी आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में एवरेज पावर क्या आ रहा था, आई स्क्वायर आर। दिस आई वॉज आर एम एस करंट, रिमेंबर दिस आई वॉज आर एम एस करंट, दैट इज द अफेक्टिव करंट। अफेक्टिव करंट का क्या मतलब है, इतने इस करंट के सोर्स को अगर अपने डीसी सर्किट लिया होता तो एसी सर्किट और डीसी सर्किट में सेम पावर डिसिपेट होता, एसी सर्किट और डीसी सर्किट में सेम पावर डिसिपेट होता। तो जब अपन रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाते हैं तो जो सोर्स जो भी पावर पावर देता है एनर्जी, वो रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जाती है। जैसे कि अपन ने सोर्स लगाया, उससे बल्ब जलाया, तो बल्ब जल गया और एनर्जी मिल गई रेजिस्टेंस से। बल्ब पंखे के पास गया तो पंखे ने पंखा चला, करंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी कंज्यूम हो गई, वापस से सोर्स को रिटर्न नहीं होती है। इंडक्टर का काम जो है ना, इंडक्टर का काम ना तो बल्ब जलाना है नहीं पंखा जलाना है। तो अगर सोर्स को इंडक्टर से कनेक्ट किया तो इंडक्टर क्या करता है, सोर्स से एनर्जी लेता है, सोर्स से एनर्जी लेता है। और जब सेकंड हाफ में जब करंट डिक्रीज होना शुरू होता है सोर्स का, तो इंडक्टर सोर्स को वापस से एनर्जी रिटर्न कर देता है, इंडक्टर सोर्स को वापस से एनर्जी रिटर्न कर देता है। सो इन द कंप्लीट साइकिल या इन द ओवर द लॉन्ग रन देयर इज नो पावर डिसिपेशन, इंडक्टर सोर्स से कोई एनर्जी नहीं लेता। इज दिस क्लियर? यस सर, आगे चलें तो यस। द लास्ट इज फेजर। इंडक्टर का फेजर कैसा बनेगा? फेजर इज नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर्स। तो हमारे को दो सर्कल बनाने होंगे, तो अगर मैं वोल्टेज बना दूं, वोल्टेज क्या है, वी इज वी एम साइन ऑफ ओमेगा। तो अगर मैंने वोल्टेज का बना दिया, ये क्वेश्चन हो गई है, इसकी जो लेंथ है वो वी के बराबर है और ये ओमेगा टी एंगल से रोटेट हुआ तो ये हो गया ओमेगा टी। तो अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे जो कि वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो गया, देन दिस लेंथ इज वी एम साइन ऑफ ओमेगा। तो रिमेम्बर दिस एरो की लेंथ जो है ना, यू कैन यूज बोथ वे, यू कैन यूज इट एज अ क्या बोलते हैं, इस एरो को यू कैन से इट्स अ एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऐसे भी यूज कर सकती हो,
या आरएमएस वैल्यू जैसे भी यूज कर सकती हूँ, बिकॉज दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, वी एम इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स वी, एंड जो इसका पर्टिकुलर कंपोनेंट है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, वो हमेशा हमारे को इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। नाउ करंट की इक्वेशन क्या है, करंट की इक्वेशन है आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो जो करंट वाला जो फेज है वो इससे पाई बाय टू पीछे होगा, ये आ जाएगा, वे दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या जाएगा, ये आई है विच इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये इसका परपेंड ड्रॉप हो जाएगा, ये आ जाएगा। ओके सो टी जीरो जीरो पे, टी जीरो जीरो पे बोथ विल बी हियर, नहीं टी जीरो जीरो पे जब वोल्टेज इधर होगा तो टी इज जीरो पे जब वोल्टेज का फेजर इधर होगा एक्स एक्सिस पे तो करंट उससे पाई बाय टू पीछे होगा, तो करंट का फेज इधर होगा। सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, तो अगर ये ऐसे बनेगा, मैं पूरा इतना बड़ा सर्कल बना रहा हूं, तो ओके ये ऐसा अगर वोल्टेज का ऐसा बनेगा तो व्हाट वी सी हियर इज, ये तो इधर है सो वो ऐसे बनेगा। तो क्लियरली सी हियर कैसे पाई बाय टू पीछे चल रही है, दो दो पर्टिकुलर लाइन है ऐसे, एक वोल्टेज की एक करंट की, वोल्टेज वाली आगे करंट वाली पीछे, ये दोनों ऐसे रोटेट हो रहे हैं। तो जब ये दोनों रोटेट होंगे ऐसे वेक्टर्स,